अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ जी मैसी फर्गुसन 375 2010 मॉडल ट्रैक्टर है जी। शो ट्रैक्टर की देख लें, शो ट्रैक्टर की बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ है, कहीं से कोई ख़राश वगैरह ट्रैक्टर की शो के ऊपर मौजूद नहीं है। ऊपर से साइडों से हर तरफ से ट्रैक्टर की शो बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ है। बाकी इंजन की कंडीशन भी आप देख लें जी, इंजन गियर हिस्सा ट्रैक्टर का बिल्कुल बेआवाज़ है। बाकी कलर भी आप ट्रैक्टर का चेक कर लें जी, कलर भी ट्रैक्टर का अपना जेन्युइन है। टायरों की कंडीशन आप देख लें जी, टायर भी ट्रैक्टर के बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, कहीं से कोई कट वगैरह ट्रैक्टर के टायरों में मौजूद नहीं है। मडी गार्डों की कंडीशन देख लें तो मडी गार्ड भी ट्रैक्टर के बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, कहीं से कोई टूट फूट ट्रैक्टर के मडी गार्डों में मौजूद नहीं है। रिम भी ट्रैक्टर के बिल्कुल साफ़ हैं जी, कहीं से कोई दाग धब्बा या कोई जंग ट्रैक्टर के रिमों के ऊपर भी मौजूद नहीं है। बैक साइड आप ट्रैक्टर की चेक कर लें, टूपों की कंडीशन, लिंकों की कंडीशन आप देख लें। टूपें ट्रैक्टर की अपने जेन्युइन किल काबलों में मौजूद हैं और लिंकों की कंडीशन भी आपके सामने है जी, कहीं से कोई टूट फूट ट्रैक्टर की लिंकों में मौजूद नहीं है। बाकी फ्रेंड ट्रैक्टर को नंबर नहीं लगा हुआ, कैश के खुले पेपर हैं ट्रैक्टर के, जो बंदा ट्रैक्टर को ख़रीदेगा वो अपने नाम पर रजिस्टर करवा सकता है। ये दूसरी साइड से आप शो की कंडीशन देख लें, इंजन की कंडीशन चेक कर लें जी, इंजन गियर इसका ट्रैक्टर का बिल्कुल बेआवाज़ है। बाकी 2010 मॉडल है तो इंजन इसका जेन्युइन नहीं है, इंजन अभी अभी ट्रैक्टर के ओनर ने बिल्कुल नया इसका करवाया है। बाकी यहां से आप ट्रैक्टर की कंडीशन देख लें, मडीगाडो की कंडीशन अंदर से आप देख लें, दूसरी तरफ के टायर की कंडीशन देख लें जी, बिल्कुल ज़बरदस्त है। शो की कंडीशन भी आप दूसरी साइड से भी चेक कर लें जी। बाकी ये रिम की कंडीशन आप दूसरी साइड से चेक कर लें, रिम ट्रैक्टर के चारों बिल्कुल बेदाग हैं, कहीं से कोई दाग धब्बा या कोई जंग ट्रैक्टर के रिमों के ऊपर मौजूद नहीं है। बाकी टायरों की कंडीशन आपके सामने है जी, तकरीबन 10 से 11 अन्य ट्रैक्टर के टायरों की कंडीशन इस वक्त मौजूद है। और बाकी फ्रेंड अगर आप ये ट्रैक्टर ख़रीदना चाहते हैं तो आप ट्रैक्टर को एक बार जा के देखें और आप ख़ुद ट्रैक्टर की अच्छी तरह से तसल्ली करके ख़रीदें, क्योंकि बाद में किसी भी होने वाले नुकसान का ज़िम्मेदार चैनल नहीं होगा। लोकेशन मैं आपको ट्रैक्टर की बता देता हूं जी, चौक रोड खुशाब की ट्रैक्टर की लोकेशन है और ट्रैक्टर जितना ही इस्तेमाल हुआ है थल के इलाके में हुआ है और एक ही हाथ में ट्रैक्टर जितना चला है एक ही हाथ में चला है। ठीक हो गया दोस्तों। बाकी अगर आप कोई भी डिटेल ट्रैक्टर के मालिक से रब्ता करके लेना चाहती हैं तो नंबर भी मैं आपको ट्रैक्टर के मालिक का नोट करवा देता हूँ, आप उनसे भी रब्ता करके ट्रैक्टर की मालूमात ले सकते हैं। तो नंबर आप ट्रैक्टर के मालिक का नोट कर लें जी, 0326-2269-972। ये मोहम्मद ज़फ़रुल्ला जोइया साहब ट्रैक्टर के मालिक हैं और ये उनका मोबाइल नंबर है, कॉल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप जो भी ट्रैक्टर की मालूमात लेना चाहते हैं इस नंबर पर आप उनसे रब्ता करके ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड ट्रैक्टर को छत लगी हुई है और बाकी ये छोटा सा ठिया बम्पर के आगे लगा हुआ है, बम्पर का छोटा सा ठिया है, बाकी बम्पर वगैरह ट्रैक्टर के साथ नहीं है, सिर्फ ठिया है खाली नीचे का और कोई भी सामान ट्रैक्टर को नहीं लगा हुआ। छत लगी हुई है और वही छोटा सा ठिया ट्रैक्टर को बम्पर वाला लगा हुआ है, इसके अलावा कोई भी सामान ट्रैक्टर को नहीं लगा। नंबर भी ट्रैक्टर को नहीं लगा, कैश के खुले वर्कों में ट्रैक्टर इस वक्त मौजूद है। बाकी ऑनर का नंबर मैंने आपको नोट करवाया है, आप उनसे भी ट्रैक्टर की मालूमात ले सकती हैं। बाकी जो ट्रैक्टर के मालिक इसकी डिमांड कर रहे हैं वो 15,75,000 रुपये ट्रैक्टर के मालिक की डिमांड है। बाकी डिमांड भी ट्रैक्टर की बिल्कुल मुनासिब है, कंडीशन के हिसाब से डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी कोई फाइनल डिमांड भी ट्रैक्टर की नहीं है उन्होंने की, ये भी ट्रैक्टर के ओनर ने वैसे ही डिमांड की है, बाकी ये कोई फाइनल इसकी डिमांड नहीं है। कमी पेशी आपको इंशाल्लाह इस डिमांड में की जाएगी जो कि आपके साथ मौका पर होगी। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। बाकी फ्रेंड मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।